नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में बढ़ते हुए ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी का कहना है कि प्रशासन के द्वारा ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर काम किया जा रहा है। पहले दो ब्लैक फंगस के मामले सामने आए थे और दोनों ही मरीजों का इलाज चल रहा था। मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड को तैयार किया गया है। डीएम भी लगातार अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। फंगस का जो राज्य ने हमारे निर्धारित किया है इलाज के लिए, सुशीला तिवारी चिकित्सालय को अधिकृत किया है नैनीताल जिले के लिए, और वहां पर आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है ब्लैक फंगस के लिए, और सारी तैयारियां वहां पर दुरुस्त हैं। अभी केसेस की संख्या में गिरावट आ गई है। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर अभी खाली हैं, और सुशीला तिवारी चूंकि एक अधिकृत हमारा डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय है और यहाँ पर पैथोलॉजी, एक्सरे, सिटी स्कैन। वहीं हरिद्वार के न्यू मैक्स हॉस्पिटल का एक मामला सामने आया है जिससे कि अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां के अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत पर लोगों का कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की घटना अस्पताल में हुई हो। इससे पहले भी अस्पताल की लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान चली जा चुकी है। लोगों का ये भी कहना है कि अधिकारियों से इस बारे में शिकायत की गई है लेकिन कोई फायदा नहीं है, और अब महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा भी काटना शुरू कर दिया है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से ऋषिकेश में लगातार बाजार बंद हो रहे हैं। बाजारों के बंद होने की वजह से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति भी काफी ज्यादा खराब हो चली है। प्रदेश सरकार से व्यापारी दुकानें खोलने के लिए छूट मांग रहे हैं लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार दुकानें खोलने की इजाजत दे दे और अब उनके पास कोई विकल्प बचा हुआ नहीं है। सरकार ने जो भी गाइडलाइन दी पिछले एक महीने से 40 दिन से, जो भी दी, हमने सभी नियमों का पालन करा, सरकार का समर्थन करा, लेकिन अब हद से हद मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ती जा रही है। व्यापारियों की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, लगातार खर्चे चलते जा रहे हैं। सरकार ने अपने सारे जितने भी केंद्र हैं, अर्ध केंद्र सरकार, वो अपने दफ्तर हैं, वो तो सब खोल रखे हैं और व्यापारी के दुकानों में ताला मार रखा है। अब व्यापारी बहुत तंग आ चुका है, बहुत मतलब अपना बहुत परेशान है, खाने के लाले पड़ चुके हैं। और अब हमने सभी व्यापारियों की ये सहमति से देखते हुए हमने ऐलान कर दिया है, अगर सरकार एक तारीख तक हमारे लिए नहीं सोचती, क्योंकि हमने पहले भी आश्वासन इनसे, इनको लेटर दिए हैं, बात करी है, लेकिन इस सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, तो ये अब हमारी मजबूरी हो चुकी है। ये तो सरकार सब कुछ बंद करे, अब न था एक तारीख। वहीं विकासनगर में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया गया है। विधायक और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने ग्रामीण इलाके में इस कैंप का शुभारंभ किया। विधायक ने ग्रामीणों को मास्क, सैनिटाइजर और फल वितरित किए हैं। विधायक ने कहा है कि ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि के अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन विकास नगर में स्वर्गीय नेहरू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रेस को जारी बयान में शहर कांग्रेस के अध्यक्ष शम्मी प्रकाश ने कहा कि इस देश के असली निर्माणकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने इस देश को मोतियों की तरह एक धागे में पिरोकर सभी समस्याओं का समाधान कर उन्हें इस देश को मजबूत व विकास की ओर अग्रसर किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव समेत तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। उत्तराखंड में भी कोरोना कर्फ्यू 1 जून तक लागू रहेगा। इसी लॉकडाउन की वजह से जरूरतमंद लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ में ग्राम प्रधान ने मिलकर कुल्हार गांव के 60 जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन किट बांटा है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि आज देश के पहले पीएम स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कोरोना काल में कांग्रेस का हरेक कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है और आगे भी जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी। देखिए, आज इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं
और कह सकता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण में जो बुनियाद उन्होंने रखी, जो आधारशिला रखी, उसी पर ही आज भव्य भारत का निर्माण हो सका है। आज जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना की महामारी भी जो है प्रदेश के अंदर लगातार फैलती जा रही है और ब्लैक फंगस भी अपने पांव पसार रहा है, इन विकट परिस्थितियों में हमारे पूर्व प्रमुख जो हैं कुलहाल के और विकासखंड विकास नगर के और हमारे प्रधान जी और हमारे साथी महानगर और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व विधायक जी, हम सब लोग हैं। वहीं हरिद्वार में सिडकुल पुलिस के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते सुबह सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खोले जाने के दिशा निर्देश हैं, लेकिन कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। इसी के चलते सिडकुल पुलिस ने आज कई लोगों के चालान काटे, साथ ही कई वाहनों को भी सीज किया है। सिडकुल पुलिस के द्वारा अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को भी चेतावनी दी गई, अगर नियमों का पालन नहीं किया गया और नियमों को तोड़ा गया तो उन लोगों पर आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी सभी को दी गई है। लालकुआ में कोरोना के मामलों को देखते हुए एसडीएम ने कई विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक की। बैठक के साथ साथ अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। बता दें कि अधिकारियों के द्वारा हेलीपैड का निर्माण के साथ में ही ग्रामीणों को 3 महीने का राशन, दवा व अन्य जरूरत के जो सामान है उपलब्ध कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज प्रशासन द्वारा क्षेत्र का दौरा किया गया, जिसमें कि गांव के लोगों को कोरोना टेस्ट उनके कराए गए हैं, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पर जो है हर बरसात में जो है हर तरह की समस्या है पूरी, और आज एसडीएम साहब के साथ जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है, कुछ लोग भी जांच हुई है अभी और सारी जांच में जो है सही निकला सर, निगेटिव ही निकला सर। के दौरान ये बात पता चली है कि यहाँ पर तटबंध की आवश्यकता है, लोगों ने इसकी मांग भी करी है। पूर्व में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा इसके एस्टिमेट बना के भेजे गए हैं। आज मैंने उनसे उसमें अपडेट करने के लिए बोला है कि क्या स्थिति है बता दें, और अपने जिलाधिकारी महोदय को भी मैं बस उसी से अवगत कराऊंगी और शीघ्र ही तटबंध जरूरी इनकी जो भी मांग है उसको पूरा कराने की कोशिश। उत्तराखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन कार्य के रूप में 28 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, जिसमें के जिले के प्रभारी शिव नारायण शर्मा व युवा मोर्चा कार्यक्रम के प्रभारी गौरव शर्मा शामिल होंगे। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए अधिक संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे। इस कार्यक्रम में कई लोग शामिल होने वाले हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देश द्वारा सेवा ही संगठन कार्य किया जाएगा। इस कार्य को निर्देशित करने के लिए हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी, प्रदेश के सह संगठन मंत्री माननीय करमवीर भाई साहब जी, प्रदेश के संगठन मंत्री माननीय सुनील बंसल जी, प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष माननीय सुभाष यशवंती जी, हमारे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष माननीय रजनीकांत मिश्र जी, हमारे ब्रज क्षेत्र के युवा मोर्चा के अध्यक्ष माननीय मनीष गौतम जी के निर्देश द्वारा सेवाई संगठन कार्य को देखते हुए रक्तदान का आयोजन इस कोरोना काल जैसी वैश्विक। कलियर में चोरी के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी ने बताया है कि पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम का गठन करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद के गौच्छी गांव में डिपो होल्डरों की मनमानी का मामला सामने आया है। डिपो होल्डर उपभोक्ताओं को इस परेशानी के दौर में भी राशन नहीं मिल पा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों की मनमानी की वजह से उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा, और जब इस मामले में कार्रवाई की बात कही गई तो लोगों को धमकी दी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब फरीदाबाद DFSC से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार उनकी टीम डिपो होल्डरों पर नजर बनाए हुए है और किसी के खिलाफ भी शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि सभी डिपो होल्डर
अच्छे हैं या सभी डिपो होल्डर बुरे हैं। जो भी डिपो होल्डर सरकार की हिदायतों अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी। फाइव के जी पर मेंबर है, उसमें 3 किलो गेहूँ, 2 किलो बाजरा इस तरह का है, रेगुलर के अतिरिक्त है वो। आरोप लगाया गया है राशन नहीं मिल पा रहा है, ग्रामीणों ने शिकायत की। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर शिकायत मिलेगी तो फिर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। और ये जो धमकी दी जा रही है वो किन लोगों के शह पर दी जा रही है, और आखिरकार इनके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं जो कि इस पूरे मामले में शामिल हैं। तो लोगों को धमकी दी जा रही है और उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं उपभोक्ताओं की तरफ से। मनमानी की जा रही है और जब तक इस मामले में कार्रवाई की बात नहीं हो जाती है, कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक कहीं ना कहीं ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फरीदाबाद से मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज, ये क्या है पूरा मामला? कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, जो उपभोक्ता है उन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा, क्या है आखिरकार पूरा मामला? बता दें सर कि फरीदाबाद में लगातार डिपो होल्डर हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी जो गरीब परिवार हैं उनको सरकार की तरफ से पीएम योजना की तरफ से जो 5 किलो प्रबंध जो गेहूं जो मिला है वो कहीं ना कहीं गरीब परिवारों को उससे कटौती की जा रही है, जबकि बायोमेट्रिक मशीन पे वो सिम लगाते हैं जिसके बाद उनका जो सामान है, जो राशन है वो निल हो जाता है। जी जी, तो अभी तक क्या जो शिकायत की गई है उसके आधार पर कोई गिरफ्तारी या फिर कार्रवाई कुछ ऐसा हुआ है क्या अभी तक? अगले बता दें कि अभी तक लोगों ने शिकायतें भी दी है, उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारी हैं जो उस मामले में खाना पूर्ति की बात करते हैं और जल्दी ही कार्रवाई करने का आश्वासन भी देते हैं, पर अभी तक अधिकारी की वजह से कोई डिपो होल्डर पर किसी पर भी प्रॉपर जो कार्रवाई है वो कहीं अभी तक नहीं की गई। कौन लोग हैं जो धमका रहे हैं कि शिकायत की तो जो है उनके साथ बुरा सलूक होगा, कौन लोग हैं आखिरकार जो धमका रहे हैं? डिपो होल्डर हैं, कहीं ना कहीं पहले तो जो गरीब परिवार है उनका राशन खा जाते हैं, उसके बाद अगर वो कंप्लेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे ये कह दिया जाता है कि आपका राशन कार्ड काट दिया जाएगा, और इस प्रकार की जो परिवार से बोलते हैं जिससे परिवार डर के उनकी कंप्लेंट नहीं कर पाता और वो अपनी जो मनमानी है वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।